आज हम शहरों के अंदर जगह जगह देखते हैं लोग कुत्ते पालते हैं, सुबह उठकर कुत्ते की नकेल पकड़कर वो कुत्ते को भी वॉक करवाते हैं, कुत्ते को नजासत करवाने के लिए ले जाते हैं, कुत्ते के खाने का इंतजाम करते हैं। जब लोग हराम जानवर को पालने पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या एक मुसलमान अगर अल्लाह को खुश करने के लिए एक भेड़ू पालने का इरादा करेगा तो क्या वो अपने साथ भेड़ू को वाक नहीं करा सकेगा? क्या वो भेड़ू के चारे का इंतजाम नहीं करेगा? अरे कुत्ता वो जानवर है जिसके लिए मैं नहीं, आप नहीं, मुसलमान नहीं, बल्कि अंग्रेज, यहूद और नसारा साइंसदान ये कहते हैं कि कुत्ते के अंदर जानवरों में से सबसे खतरनाक जरासीम अगर है वो कुत्ते के अंदर है। साइंसदानों ने ये तहकीक करके ये बात कंफर्म कर दी है कि इस्लाम ने जो कहा है कुत्ते के झूठे को 7 मरतबा जब तक मिट्टी से नहीं मांजोगे उससे जरासीम खत्म नहीं होंगे, इस्लाम ने तब कहा था, आज के साइंसदान और मेडिकल ने आज कहा और ये मान लिया है, इसके बावजूद कुत्तों को घरों के अंदर पाल रही है। बल्कि सैन बुजुर्ग है स्मरण कि कुत्ते की जो सांस निकलती है, जो वो ऑक्सीजन लेता है, कि जहां तक ये इसका हवा जाती है वहां तक इसके जरासीम पहुंच जाते हैं और डॉक्टर जरूर इसकी ताइद करेंगे। जब ऐसे नालायक जानवर को और ऐसे जानलेवा जानवर को लोग पाल रहे हैं महज दुनिया के फैशन के लिए, तो क्या मुसलमान भेड़ू को नहीं पाल सकता है? और बल्कि बाज हमारे नौजवान नादान 50,000 की बिल्ली खरीद कर लाते हैं, उसको अपने बिस्तर पर लेटाते हैं, उसको अपने किचन में रखते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं। ये बिल्ली ये हलाल जानवर नहीं है, बिल्ली तो हराम जानवर है। बस इतनी सहूलत शरीयत ने दी है कि ये चलने फिरने वाली है, लिहाजा इसके झूठे को हलाल करार दिया है। वरना बिल्ली को जिबा करके बिल्ली का गोश्त खाओ, शरीयत के कि हराम है, नहीं खा सकते हो। तो ये जो 50,000 की तुम बिल्लियां खरीद कर पाल रहे हो नौजवानों, ये तुम्हारा धोखा है। और ये जो पैसा तुम लगा रहे हो ये हराम में लगा रहे हो। अल्लाह तुमसे पूछेगा, एक भेड़ू तुमसे पाला नहीं जाता था और बिल्ली की खिदमत करने के लिए तुमने 50,000 खर्च किए थे, बताओ उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? और ऐश परस जवानों, जवाब कोई नहीं होगा, उस वक्त अल्लाह की लाठी होगी और ऐसे नादान नौजवानों की पीठ होगी, अल्लाह ठुकाई करेंगे। और अल्लाह की ठुकाई ये लकड़ी का डंडा नहीं होगा, वो जन्नत का ईंधन होगा कि मेरे बंदे मेरी खुशी के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरे नाम पर जानवर कुर्बान करने के लिए, तेरे पास पैसा नहीं था, तेरे पास जगह नहीं थी, तेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन बिल्ली और कुत्ते को चुगाने के लिए तेरे पास सुबह भी वक्त था, शाम भी वक्त था। मुसलमान नौजवान फजर पढ़ने के लिए, मस्जिद में आने के लिए, उठने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कुत्ता चुगाने के लिए, वाक करने के लिए तैयार है। हमारे यहां तो अभी ये वबा नहीं आई है, लेकिन यूरोप के अंदर मुसलमान नौजवान कुत्तों को चुगाने के लिए सुबह को निकलते हैं। बल्कि वहां तो कुत्तों के राइट आ गए हैं, कुत्तों के कवानीन आ गए हैं। एक मुकदमा दायर किया मां ने कि मेरा बेटा कुत्ते की खिदमत करता है, मेरी नहीं करता है। कोर्ट ने फैसला दिया है कुत्ते को पालने के लिए, कुत्ते को निगरानी करने के लिए हुकूमत ने राइट दिया है, कानून बनाया है, आपके लिए कोई कानून, लिहाजा कुत्ते के हुकूक ज्यादा है, आपके हुकूक कम है। ये वो यूरोप है जो इंसानियत से, हमदर्दी से, माँ की मोहब्बत से गया और हम उसकी नकाली करते हैं। तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।